अखिलेश यादव ने तिरंगे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस का आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी राष्ट्रध्वज और संविधान को स्वीकार न करना क्या कहता है। सत्ता के स्वार्थ और जनता के दबाव में राष्ट्रध्वज को आगे रखकर बीजेपी आरएसएस अपने अतीत के काले पृष्ठों को छुपाने की कोशिश में लगी है। इसी मानसिकता का असर है कि बीजेपी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की पवित्रता को भी नष्ट करने पर तुली है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही है। यह ध्वज जहां करोड़ों भारतीयों के लिए आन बान शान का प्रतीक है, वहीं बीजेपी के लिए ये बेचने का सामान है। प्रयागराज में बीजेपी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज क्यों नहीं फहराया? भाजपाई हर बात पर दुकान लगाना बंद करें। राष्ट्रध्वज के गौरव के साथ खिलवाड़ शर्मनाक और निंदनीय है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार में राजधानी लखनऊ में 207 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज ऐतिहासिक जनेश्वर मिश्र पार्क में फहराया गया था। समाजवादी सरकार में ही इस 400 एकड़ में फैले एशिया के सबसे विशाल पार्क का निर्माण हुआ था। जब तक समाजवादी सरकार रही, हर रोज शाम प्रोटोकॉल के तहत आकाश में लहराते इस तिरंगे को पुलिस सलामी देती रही, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही पुलिस की ओर से सलामी देना बंद हो गया है। बीजेपी राज में राष्ट्रध्वज को सलामी देने की परंपरा को बंद क्यों किया गया? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का देश प्रेम कितना सत्य से परे है, इसी बात से साबित है कि बीजेपी नेता अमृत महोत्सव के तिरंगा अभियान के दौर में भी कहीं तिरंगे का रंग बदल रहे हैं, कहीं उल्टा पकड़े फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता के साथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूले हिला दी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद स्वतंत्र भारत में भी समाजवादी तिरंगे की शान बढ़ाने में लगे रहे।